मेरे को याद नहीं क्या था उसका। देखो 21 के थर्ड में हमारा क्या था। थर्ड बताने से पहले मैं एक कंसेप्ट बताना चाहती हूँ। देखो जब हमारी एरर होती है बुक्स में, बुक्स मतलब मैं कौन सी बुक्स की बात कर रही हूँ, जो हमने सब्सिडरी बुक्स पढ़ी है ना, अदर सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स कौन सी थी हमारी? कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, या फिर एक और हमारी कौन सी थी? परचेज रिटर्न। जब हम बुक्स में गलती करते हैं ना, या फिर दूसरा स्टेप हमारा जर्नल एंट्री में, जब हम इनमें मिस्टेक करते हैं, क्योंकि दोनों ही पैडल चीजें हैं, रिकॉर्डिंग करने का हमारा क्या तरीका होता है? या तो हम जर्नल एंट्री पास करें या फिर हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करें। अब देखो जब हम बुक्स में गलती करते हैं ना, जर्नल एंट्री में गलती होती है, तो हमें चीजें ना एकदम समझ में आ जाती है कि ये एंट्री होनी चाहिए थी, हमने ये एंट्री पास कर दी, तो उसको रेक्टिफाई करना इजी होता है। बट जब बुक्स में मिस्टेक होती है ना, तो बुक्स का इफेक्ट सही करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? जैसे अगर मान लेते हैं कोई एंट्री हमारी सेल्स की थी और हमने उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड ना करके परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, तो इट मींस उसका इफेक्ट इस तरीके से सोचा करो कि वो एक सेल्स की एंट्री थी और हमने उसको परचेज की एंट्री बना दिया। मींस तुम बुक्स की जगह ना उसको जर्नल एंट्री करके देखा करो। बुक्स वाले एरर में प्रॉब्लम आ जाती है, बुक्स वाले वाले एरर में कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाती है, अगर हम डायरेक्टली उसके पॉइंट से सोचते हैं, तो बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो बुक्स वाला एरर सही करने का तरीका क्या है? बुक्स की जगह उसकी जर्नल एंट्री पास करके देखो, ठीक है? मतलब रॉन्ग एंट्री भी ना तुम उसमें बुक्स ना बनाकर उसकी जर्नल एंट्री पास करो रॉन्ग में भी, तो उस केस में तुम्हें वो इजी रहेगा उसको रेक्टिफाई करना। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि एक सेल्स की एंट्री थी और उसको तुमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, तो उसको रेक्टिफाई करने का क्या तरीका है? सेल्स की एंट्री थी तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? जो हमारा डेटर है वो डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, सेल्स की ये एंट्री होनी चाहिए थी, बट हमने उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, इट मींस वो हमारी परचेज की एंट्री बन गई। हमने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, मतलब डेटर हमारे यहाँ पर क्रेडिट हो गया होगा। तो देखो जब बुक में रिकॉर्ड करते हैं ना, तो एक तरीके से दोनों ही अकाउंट में प्रॉब्लम होती है मोस्टली, ठीक है? तो यहाँ पर रेक्टिफाई करने के लिए अब दोनों एंट्रीज को कंपेयर किया जाएगा, ये करेक्ट एंट्री थी ये रॉन्ग एंट्री है, दोनों को कंपेयर करो और रेक्टिफाई एंट्री पास कर लो, ठीक है? ये हमारा तरीका है। अब देखो इसके बाद होता है अगर लेजर में प्रॉब्लम होती है। लेजर में प्रॉब्लम होने का मतलब है, मान लेते हैं एंट्री तो हमारी ये थी, एंट्री तो हमारी ये थी, बट हमने लेजर में क्या किया, हमने सेल्स के लेजर में क्रेडिट करना था मान लेते हैं 100 रुपीज और हमने कर दिया 1000 रुपीज, समझ रहे हो? ये हमारा हो गया लेजर का एरर। तो जब लेजर में मिस्टेक होती है ना, तो वो मोस्टली वन साइडेड एरर होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमें सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ठीक करना पड़ता है, ठीक है? वहां पर हमें सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ठीक करना पड़ता है। बट यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हम जो थर्ड वाला पॉइंट कर रहे थे ना, ये जैसे मैंने यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट के थ्रू किया था, इसको सस्पेंस से ना करके पार्टी के अकाउंट के थ्रू करेंगे तो ज्यादा सही है। यानी कि मैं इसको यहाँ पर कट कर रही हूँ, मैं इसको दोबारा बता रही हूँ थर्ड वाले पॉइंट को, ठीक है? तो देखो थर्ड वाले पॉइंट में सेम वही चीज थी, यहाँ पर भी हमारी बुक में एरर थी, मतलब कि रिकॉर्डिंग वाले स्टेप में एरर थी। रिकॉर्डिंग वाले स्टेप के लिए लिखा हुआ था कि सेल्स ऑफ रुपीज सॉरी डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम राम एंड कंपनी 350 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, ठीक है? जो डिस्काउंट मिला था हमें राम एंड कंपनी से 350 का, वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। ये मैंने तुम्हें बताया था, ये हमारे टाइम पे हमने पढ़ी थी ट्रिपल कॉलम कैश बुक, वहां पर एक कॉलम डिस्काउंट का भी होता था। तो देखो अगर हमारा डिस्काउंट डिस्काउंट वाले कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इट मीन्स डिस्काउंट की एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं हुई, समझ
समझ रहे हो तुम, यानी कि वो डिस्काउंट वाला पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया अगर हमने उसको कैश बुक में नहीं लिखा, इट मींस वो डिस्काउंट वाला पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो यहाँ पर जो ज्यादा सही रेक्टिफिकेशन है उसका क्या, उसको हमें कैसे करना चाहिए? देखो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है, तो डिस्काउंट रिसीव हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब अगर इसकी एंट्री होती तो क्या एंट्री पास होती, राम एंड कंपनी डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 350। वैसे तो ये पूरी एंट्री तो कुछ और ही होगी अगर पूरी ट्रांजेक्शन हमें पता होती। ऐसा होता है ना, जैसे हमें किसी पार्टी से पेमेंट करना, हमें किसी पार्टी को पेमेंट करना था और हमने उसको जितना पेमेंट करना था उससे कुछ कम पेमेंट करके सेटलमेंट कर लिया, तो वहां पर हमारी डिस्काउंट की बात आ जाती है। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन एक्चुअल में इस टाइप की होगी, बट इन्होंने हमें उसमें से सिर्फ डिस्काउंट वाला पार्ट बताया। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, मतलब हम ये मानकर चलेंगे अगर हमने इसको कैश बुक में नहीं लिखा, इट मींस ये डिस्काउंट वाला पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो इसको सस्पेंस के थ्रू ठीक ना करके इसको हम इस तरीके से ठीक करेंगे, मतलब डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री हमारी ये पास होगी, राम एंड कंपनी डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। सस्पेंस के थ्रू यहाँ पर सही करना जब ज्यादा सही रहता, जब ये एरर हमारी लेजर बनाने में होती। मान लिया वहां पर लिखा होता कि डिस्काउंट के लेजर में हमने उसको पोस्ट नहीं किया, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में हमने उसको नहीं डाला, तो उस केस में हम ये मानकर चलते कि राम एंड कंपनी के अकाउंट में तो पैसे लिख दिए होंगे लेकिन डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में पैसे नहीं लिखे। तो वहां पर हम करते सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो तुम्हें दोनों चीजों में डिफरेंस मालूम होना चाहिए, यहाँ पर आकर कंफ्यूजन आ जाता है कि एक ही अकाउंट में प्रॉब्लम है या दोनों अकाउंट में प्रॉब्लम है। अगर रिकॉर्डिंग के टाइम की मिस्टेक है तो मोस्टली दोनों अकाउंट में प्रॉब्लम होगी, और अगर पोस्टिंग के टाइम की मिस्टेक है तो वहां पर एक लेजर में मतलब एक अकाउंट में प्रॉब्लम होती है मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, क्योंकि जिस लेजर में हमने गलत पोस्ट किया है वहां पर गलती होती है, लेकिन रिकॉर्डिंग में वहां पर तो दोनों अकाउंट इन्वॉल्व है, एक अकाउंट डेबिट होना था एक अकाउंट क्रेडिट होना था, तो जब रिकॉर्ड ही गलत कर दिया तो इट मींस दोनों में ही कुछ ना कुछ गलती की होगी। क्लियर है? तो ये हमारा था इसका रेक्टिफिकेशन में ये एक मेन पॉइंट है जो समझने वाली बात है। इसके बेस पर काफी क्वेश्चन होते हैं क्योंकि। ठीक है, देखो नेक्स्ट लिखा है गुड्स ऑफ रुपीज 3000 सोल्ड टू महेश वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। देखो ये सेम चीज है जो मैं अभी बता रही थी एग्जांपल में भी, हमने महेश को गुड्स सेल किए थे, हमने क्या किया था महेश को गुड्स सेल किए थे लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया इन परचेज बुक। तो सही करने के लिए क्या करेंगे हम, यानी कि एक सेल की एंट्री को हमने परचेज की एंट्री बना दिया। तो यहाँ पर हम देखो अगर मैं करेक्ट एंट्री पास करती हूँ तो करेक्ट एंट्री क्या होती है हमारी, महेश डेबिट हो जाता टू सेल्स। अगर सेल की सेल बुक में हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसका यही तो इफेक्ट आता है, लेकिन हमसे गलती क्या हो गई, हमने उसको परचेज बुक में डाल दिया। तो परचेज बुक में डालने का मतलब क्या है, हमने परचेज की एंट्री पास कर दी, हमने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश, है ना। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे हम, रेक्टिफाई करने का क्या तरीका है, दोनों एंट्रीज को कंपेयर करो क्या डेबिट होना चाहिए क्या क्रेडिट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें करना है। यहाँ पर अमाउंट है हमारी 3000 रुपीज, तो बताओ यहाँ पर रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, 3000 की ये एंट्री थी, एक सेल की एंट्री को हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया। तो अगर तुम यहाँ पर देखो कंपेयर करते हो तो कैसे सही करोगे इसको, मैम महेश अकाउंट डेबिट एंड परचेजेस अकाउंट क्रेडिट, महेश को डेबिट कर देंगे परचेज को क्रेडिट कर देंगे और एंड सेल्स को भी क्रेडिट, सेल्स को भी क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर महेश को ना मुझे डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा। यस मैम, क्योंकि वो क्रेडिट भी हो गया है। हाँ, क्योंकि वो वैसे तो डेबिट होना था बट हमने उसको क्रेडिट कर दिया, परचेज को इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि परचेज बिना मतलब डेबिट हुआ है और सेल्स को क्रेडिट करना ही था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट की नीड नहीं पड़ी क्योंकि बुक से यानी कि रिकॉर्डिंग के टाइम पर ये गलती हुई थी हमसे। ठीक है, तो अगर ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो एंट्रीज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाली तो सिंपल होती ही है क्योंकि अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाली सस्पेंस अकाउंट के थ्रू इजीली ठीक हो जाती है। यस मैम।
अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 22। मुझे थोड़ा सिंपल ही लग रहा है, बट वो फर्स्ट पॉइंट में वही है कि एक पेज नंबर इतने पे इतना था टोटल, वहां हमने इतना पोस्ट कर दिया, उस पेज पर इतना था। तो यहाँ पर ना नेट इफेक्ट देखते हैं कि नेट हम अगर चेक करेंगे तो ओवरकास्ट हुआ है वो पर्टिकुलर अकाउंट या अंडरकास्ट रह गया, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर लेते हैं। मैं चाह रही थी कि मैं कोई अच्छा सा क्वेश्चन मुझे कुछ मिल जाता ना तो मैं उसको कर लेती। कर पाओगे 22 क्वेश्चन? यस मैम। ट्राई करना, हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो एरर है ना ये देखने में लग रहा है इतना बड़ा 22 का फर्स्ट पार्ट कि टोटल इस पेज का इस पेज पर इतना हो गया, इस पेज का इतना हो गया, तो उसको लिख कर करना नेट इफेक्ट क्या आ रहा है। हमने कल भी एक क्वेश्चन इस टाइप का किया था। यस मैम। मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ। अच्छा, जो क्वेश्चन हम टिक जो हम करते जा रहे हैं ना उनको टिक कर लो और बाकी जो अनटिक्ड होंगे वो तुम्हें करने ही। ओके मैम। या कोई क्वेश्चन की मैं पर्टिकुलर एंट्री करा रही हूँ तो उसको टिक कर लेना, उससे भी ना कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि पूरा पूरा क्वेश्चन में क्या होता है कुछ क्वेश्चन के पॉइंट बिल्कुल सिंपल हैं तो उससे हमारे वैसे पॉइंट्स रह जाएंगे। तो देखो 22 क्वेश्चन तो तुम करोगे ही, 23 क्वेश्चन का ना मैं एक फोर्थ पॉइंट है इसको डिस्कस करना चाहती हूँ, 23 क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट। ठीक है, जो मैं करा रही हूँ उसको टिक कर लोगे तो yes. या फिर कहीं लिख लोगे तो उससे भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। यस मैम। देखो लिखा हुआ है, चेक ऑफ ₹400 रिसीव फ्रॉम राजन वाज डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। एक चेक था राजन से हमें मिला था, वो डिसऑनर हो गया। अगर हमें किसी हमारे डेटर ने चेक दिया था, मतलब किसी कोई हमारा डेटर ही होगा जिसने हमें पेमेंट किया था, तो वो जब हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो वो चेक डिसऑनर हो गया। अब एक बात बताओ, अगर तुम मुझे कोई पेमेंट कर रहे हो और वो चेक डिसऑनर हो जाता है तो मैं तुमसे फिर से पैसे लूंगी, उस केस में तुम मेरे फिर से डेटर बन जाओगे, है ना? तो यहाँ पर भी सेम चीज होगी। अगर हमें किसी पार्टी ने चेक दिया था और उसका चेक डिसऑनर हो गया तो उस केस में हमारी जो करेक्ट एंट्री होनी थी वो क्या होनी थी बताओगे मुझे? और हमने क्या कर दिया और रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? रंजन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रंजन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने रंजन को क्या किया होगा, रंजन हमारा वापस से डेटर बन गया इसलिए रंजन को डेबिट, और बैंक इसलिए क्रेडिट क्योंकि बैंक हमने पहले डेबिट कर दिया होगा, है ना? Yes, वो चेक डिसऑनर हो गया पहले उसने दिया होगा तो हमने बैंक अकाउंट ही डेबिट किया होगा। तो यहाँ पर ₹400 ये रॉन्ग एंट्री क्या होगी इसकी, हमने क्या किया डेबिट कर दिया उसको किसमें, डिस्काउंट में। क्या गलती हुई है हमसे, वॉज डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट, यानी कि हमने रंजन की जगह ना डिस्काउंट डेबिट कर दिया, यानी कि हमसे डेबिट वाले पार्ट में मिस्टेक हुई है सर। तो अब सही करने के लिए क्या करेंगे, जो गलती से डेबिट हुआ उसको क्रेडिट कर देंगे और रंजन को वापस से अपना डेटर बना लेंगे। यस मैम। रंजन डेबिट टू डिस्काउंट टू बैंक, करने की जरूरत नहीं है, बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। क्योंकि उसमें लिखा है कि हमने डिस्काउंट डेबिट कर दिया, अगर हम सही एंट्री में चेक करते हैं तो हमें रंजन को डेबिट करना था, उसने साफ साफ बताया है कि डिस्काउंट में डेबिट किया है, इट मींस क्रेडिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यानी कि जो क्रेडिट होना था वो हमने क्रेडिट ही किया होगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट पॉइंट तो सिंपल ही है, चलो मैं बता देती हूँ। इसका फिफ्थ पॉइंट में भी थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन आया, तो लिखा हुआ है बिल ऑफ ₹820 रिसीव फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी, हमने मशीनरी की रिपेयरिंग कराई थी। ठीक है, और वॉज एंटर्ड इन परचेज बुक एज 720। एरर हमारा अकाउंट में भी लिखने में मिस्टेक है और अमाउंट में भी मिस्टेक है। तो purchases account, वो पहले करेक्ट एंट्री करते हैं, पहले करेक्ट एंट्री पास करते हैं। रिपेयर का बिल था, ठीक है, मशीन हमने रिपेयर कराई थी और उसने बिल दिया था, इट मींस उधार में हमारा ये क्रेडिट में हुआ था, हमने उसको पेमेंट दी। तो एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री।
मैम रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज नहीं नहीं सॉरी रिपेयर रिपेयर कराया ना हमने यस मैम रिपेयर अकाउंट डेबिट टू क्या नाम था रमेश अकाउंट ठीक है ये होना चाहिए था क्योंकि रिपेयर हमारे लिए एक्सपेंस हुआ एक्सपेंस को डेबिट करेंगे या तो हम उसको पेमेंट करते तो हम यहाँ पर कर देते टू कैश या टू बैंक लेकिन वो उधार में है तो इसलिए यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। हमने इसको क्या कर दिया हमने इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया मींस हमने उसको परचेज की एंट्री बना दी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश और अमाउंट कितना लिख दिया 720 यानी कि यहाँ पर देखो अमाउंट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब रेक्टिफिकेशन थोड़ा ध्यान से करना है सीरियस में अगर अमाउंट सही होता तो रमेश के अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी रमेश तो फिर ठीक था लेकिन यहाँ पर रिपेयर अकाउंट डेबिट टू रमेश 100 एंड टू परचेज 720 हाँ रिपेयर अकाउंट डेबिट टू रमेश साइड टोटल हो जाएगी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हाँ टू परचेजेस सानवी पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं ना रेक्टिफिकेशन कैसे हो रहा है यहाँ पर क्लियर हो रहा है ना यस मैम तो देखो यहाँ पर रिपेयर 820 की थी रमेश के अकाउंट में 100 रुपीज शॉर्ट रह गए थे तो हमने उसको और क्रेडिट कर दिया 100 से और परचेज 720 से हमें क्रेडिट करनी है क्योंकि 720 रुपीज डेबिट हो गए हैं परचेज तो ये हमारा रेक्टिफिकेशन है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा 25 भी ठीक ही है मैं कोई क्वेश्चन देखती हूँ ठीक सा ये तो सारे यहाँ के मुझे सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन लग रहे हैं थोड़ा देखो क्वेश्चन नंबर ना 31 पे आओ एक बार 31 का फोर्थ पॉइंट जो मुझे पॉइंट थोड़ा लग रहा है ना मुझे डिस्कस करना चाहिए मैं उसी को ही डिस्कस कर रही हूँ ठीक है बीच के थर्ड मोस्टली सिंपल ही है 31 क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट देखो एक बार लिखा हुआ है गुड्स वर्थ रुपीज 11,970 रिटर्न्ड बाय मानव मानव ने कुछ गुड्स वापस किए थे पोस्टेड टू हिज डेबिट एज 11,790 मतलब अमाउंट में हमने गलती कर दी और हम वो भी देखते हैं कि साइड गलत की है या नहीं। अब देखो गुड्स से 11,970 के वो मानव ने वापस किए थे तो ये क्या चीज थी हमारी इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए थी पहले एंट्री बताओ क्योंकि यहाँ पर पोस्टिंग की मिस्टेक है। ये हमारी क्या थी सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है गुड्स रिटर्न्ड बाय मानव मैम परचेजेस रिटर्न नहीं सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न है ना क्योंकि परचेज रिटर्न होता तो हम वापस करते लिखते हैं हम यहाँ पर बाय की जगह टू आता फिर ठीक है तो मानव ने गुड्स वापस किए हैं तो इसकी सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या पास होगी जर्नल एंट्री सेल्स रिटर्न एक सेकंड मैम क्वेश्चन मैं खोल रही हूँ सानवी जर्नल एंट्री बता सकते हो क्योंकि ये तो नॉर्मल एंट्रीज हैं करेक्ट एंट्री क्या होगी गुड्स रिटर्न बाय मानव मैम 30 का फर्स्ट ना 31 का फोर्थ ओके ये हमारी क्या थी सेल्स रिटर्न थी सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री पास करते हैं आपकी वॉइस ब्रेक हेलो 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 यस मैम आप सही है सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री पास करते हैं मैम इसमें 31 का फर्स्ट पार्ट कुछ अलग दिया है जो आपने पीडीएफ भेजा है मैं फोर्थ पार्ट बोल रही 31 का फोर्थ पॉइंट है सेल्स रिटर्न गुड्स रिटर्न बाय मानव देखो सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होगा डेबिट
डेबिट हो जाएगा और मानव को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि मानव यहाँ पर गिवर है, उसने हमें गुड्स दिए हैं। ठीक है, तो कितनी अमाउंट थी ये? 11,970 था। अब देखो गलती क्या हुई है, लिखा हुआ है पोस्ट टू हिज डेबिट, जबकि हिज मतलब मानव की बात कर रहे हैं सर, यानी कि जब हम मानव के अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे थे तो हमें मानव को देखा जाए तो क्रेडिट करना चाहिए था, मानव को हमें क्रेडिट करना चाहिए था। यहाँ पर ऐसे लिखते हैं हम बाय सेल्स रिटर्न, कितनी अमाउंट से क्रेडिट करना चाहिए था? 11,970। हमने क्या गलती कर दी, हमने मानव को डेबिट कर दिया, लिखा हुआ है ना पोस्ट टू हिज डेबिट, और डेबिट में कितना डाल दिया, अमाउंट भी गलत है, 11,790। यानी कि सिर्फ मानव के अकाउंट में प्रॉब्लम है, सेल्स रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये पोस्टिंग के टाइम का एरर है। तो इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे हम, मानव को क्रेडिट करना था, हमने मानव को डेबिट कर दिया, जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं की थी, जर्नल एंट्री सही थी, लेकिन लेजर बनाते हुए हमने गलती कर दी मानव के अकाउंट में, इट मींस मानव का अकाउंट गलत हो गया। तो मानव को हमें क्रेडिट करना था, हमने मानव को डेबिट कर दिया, तो अब मुझे मानव को, हाँ मानव को तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और डेबिट क्या करूंगी, डेबिट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो हम डेबिट कर देंगे यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट। ओके, यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट का होगा, समझ में आया, क्योंकि सेल्स रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हमने सेल्स रिटर्न का लेजर बनाया होगा तो वहां पर ठीक पोस्ट किया होगा, तो ऐसे केसेस में हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अब देखो अमाउंट कितना आएगा, हमें 11,970 क्रेडिट करना था और हमने 11,790 डेबिट कर दिया, यानी कि मुझे डबल अमाउंट, मतलब ये और ये दोनों का टोटल, डबल तो नहीं बोलूंगी क्योंकि अमाउंट सेम नहीं है, 11,790 प्लस 11,970, इतना अमाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा इसके अकाउंट में। यस मैम। ठीक है, जो भी दोनों का टोटल आएगा, और इतना ही हमारा सस्पेंस में चला जाएगा, 11,790 प्लस 11,970, मैं इस तरीके से लिख रही हूँ। ओके, जो भी दोनों का सम होगा, अगर सेम अमाउंट डेबिट होता तो हम बोल देते हैं डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा, उसका जस्ट डबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट अलग अलग है तो हम सम कर देंगे। ठीक है मैम, तो ये पॉइंट थोड़ा अच्छा था इसमें। सारी क्वेश्चन ना तुम करोगे तुम्हें इजी ही लगेंगे, कुछ खास ऐसे है नहीं। yes, नेक्स्ट क्लास में ना इस क्लास को एंड कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, जो भी थोड़े बहुत डाउट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे, बस मुझे कुछ लग नहीं रहा, अगर सब बच्चे आज होते तो ये आज ही एंड हो जाता चैप्टर, बस मैं आज तुम्हें सॉल्यूशन शेयर कर देती, बट सॉल्यूशन से मैच करोगे तो तुम्हें शायद और भी गलतियां मिल सकती हैं अपनी। यस मैम। तो इसलिए क्लास लगनी शायद जरूरी रहेगी, अदरवाइज इसमें कोई नीड नहीं थी अभी क्लास। मैम मेरे स्कूल में 20th चैप्टर चल रहा है। 20 कौन सा है मैम? एडजस्टमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब कंप्लीट हो गए? यस मैम। काफी स्पीड से चल रहा है। सानवी तुम्हारा भी आगे आगे होगा, अब तो सिलेबस काफी। नहीं मैम, हमारे में ये अभी शुरू हुआ है। अच्छा मैम, मेरा तो टर्म 1 भी हो गया, अब वो फाइनल होंगे डायरेक्ट जनवरी में या फेब में? मैम जनवरी के एंड में बोल रहे हैं। अच्छा चलो, इसके बाद वैसे हम वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर ही करेंगे। यस मैम। अब मैं और कौन सा क्वेश्चन कराऊं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा देख के। तुम लोग मैम आप तो अब सॉल्यूशन दे दो, हम करते रहेंगे। नहीं क्लास का टाइम है अभी, तो क्वेश्चन ही कर लेते हैं फिलहाल जितने होते हैं। अब तो मुझे सारे पॉइंट्स क्योंकि ऐसे ही नजर आ रहे हैं। मैम ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है फाइनल में? इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, उसमें 5 या 6 ट्रांजेक्शन होंगी, तो 5 या 6 मार्क्स में आएगा। ओके।
एक ही क्वेश्चन ऐसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का होता है, हाँ वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, 8 marks का उसका ही क्वेश्चन आता है। अभी तो मैम करने में इतने बड़े बड़े एक एक घंटा लगता है क्लासेस, हाँ थोड़ा टाइम लगता है उसमें, उसमें स्पीड बनानी पड़ेगी, बन जाएगी कोई भी इतने क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि मैम 1 घंटे का हमारे पीरियड होते हैं तो उसमें से एक ही क्वेश्चन कर पाते हैं हम। ऐसे ही होता है उसमें। देखना सारे पॉइंट्स ना रिपीट ही हो रहे हैं, मैं कोई क्वेश्चन रीड कर रही हूँ सब में वही yes, सब है। यस मैम। एंड मैम इन क्वेश्चंस में हमें नीचे लिखना होता है क्या बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड? हाँ, क्योंकि ये जर्नल एंट्री है, एक चीज ध्यान रखनी है, हम जो रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर कर रहे हैं एग्जाम में तुम्हें कितना करना होगा, सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके आनी है और उसको प्रॉपर जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में करना है। ओके ठीक है, क्योंकि जब भी तुम जर्नल एंट्री करोगे, चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर है, चाहे रेक्टिफिकेशन है, या फिर तुम स्पेशली जर्नल एंट्री वाला चैप्टर कर रहे हो, तो वहां पर तुम्हें जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है प्रॉपर और विद नरेशन। ठीक है, सब कुछ विद नरेशन होगा। फॉर्मेट मैंने बताया हुआ है पहले से, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, लेजर फोलियो और डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है। मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ये सब चीजें हमारे तो प्रॉपर फॉर्मेट में करनी है, बिना फॉर्मेट के करोगे तो मार्क्स कट हो सकते हैं। अभी तुम लोगों के स्कूल्स ओपन है, क्योंकि फिर से कुछ सुनने में आया है कि स्कूल्स yes, फिर से क्लोज हो रहे हैं। सितंबर से जा रही हूं। सानवी तुम्हारे भी ओपन है, तो स्कूल जाते हो अभी डेली? बोर्ड्स के दिन छुट्टी जाती है बस हमारी। मैम मेरे मतलब मुझे वैसे ओपन नहीं है, बट मुझे जाना पड़ रहा है स्कूल। अच्छा, ऐसा क्यों? कुछ मैम स्कूल में कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं इस वजह से। अच्छा, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट में आ गया वैसे तो ये काफी। क्वेश्चन नंबर है 36, इसमें कुछ बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल वाला पॉइंट भी है, तो इसलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। देखो इतने क्वेश्चंस हैं, अगर तुमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई कर लेना, तुम्हारा अपने आप ही तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ भी yes, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सर तो इसी में से देते हैं क्वेश्चन पेपर बना। चलो 36 देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा है, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा वो बोलते कि इसी बहाने और इससे अलग वो देंगे भी क्या, सब कुछ कवर तो हो गया ना इसमें, इसलिए अलग कहां से लेके डालेंगे। लिखा हुआ है, इस सम ऑफ ₹470 रिसीव फ्रॉम गंगा वॉज पोस्टेड टू हर डेबिट एज 740। तो देखो क्या गलती हुई है, पहले ना जर्नल एंट्री करके देखा करो, वैसे तो ये पोस्टिंग का एरर है, तो यहाँ पर इसका मतलब पोस्टिंग करने में हमने गलती की है, लेकिन यहाँ पर क्या करोगे, पहले जर्नल एंट्री पास करो कि वो डेबिट होनी थी जर्नल एंट्री अगर हम करते या क्रेडिट होनी थी। तो देखो जिससे हमें पैसे रिसीव हुए हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, अगर हमें किसी पार्टी से पैसे रिसीव होते हैं तो हमारे पास कैश आता है तो हम कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, और सामने वाला पर्सन मतलब गंगा गीवर है यहाँ पर, तो गंगा को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गीवर, पर्सनल अकाउंट के लिए ये रूल होता है, और कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट में आता है इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन उसमें ये रूल लग जाता है। तो हर एक एंट्री में रूल्स अप्लाई करके करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें। अमाउंट तो था यहाँ पर 470, लेकिन देखो हमने क्या गलती की है, लिखा हुआ है वॉज पोस्टेड टू हर डेबिट, देखो गंगा को यहाँ पर हमें क्रेडिट करना था हमारी एंट्री के अकॉर्डिंग, हमने गंगा के अकाउंट में क्या कर दिया, गंगा को डेबिट कर दिया, मतलब क्रेडिट साइड में लिखने की बजाय यहाँ पर लिखना था 470 और हमने उल्टा क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया 740। तो क्या करेंगे हम एंट्री, गंगा को अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि गंगा के अकाउंट में प्रॉब्लम है सर। अमाउंट कितना आएगा, 740 प्लस 470 यस मैम, है ना, 740 प्लस 470। एग्जाम में तो टोटल ही लिख के आना है, मैं यहाँ पर ऐसे लिख के बता रही हूँ। ओके मैम, ठीक है, समझ में आया। तो ये इस टाइप का जो देखो हर टाइप के ना, तुम्हें अगर एग्जाम में 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, 6 में से 1 क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा,
एक अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाला जरूर होगा इनमें से कोई एक, ठीक है। एक हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल में से डाल देते हैं कि रिपेयर था, वो बिल्डिंग का रिपेयर कराया था, नई नई बिल्डिंग थी, जाना था रिपेयर अकाउंट में, वो सॉरी बिल्डिंग में, हमने डाल दिया उसको रिपेयर में, मशीन का इंस्टॉलेशन था, जाना था मशीन अकाउंट में, हमने डाल दिया वेजेस अकाउंट में, ठीक है। इस टाइप का एक पॉइंट जरूर होगा, मतलब ओल्ड मशीनरी का अगर हम वो रिपेयर करवाते हैं तो वो किस में जाएगा? ओल्ड मशीनरी का अगर रेगुलर रिपेयर है तो वो रिपेयर अकाउंट में जाता है, ठीक है, उसमें भी बताया हुआ होता है। ओल्ड मशीनरी अगर हमने परचेज की है, नई नई है, हम हमारे लिए नई है, दूसरे के लिए ओल्ड थी, बट हमने किसी की ओल्ड मशीनरी परचेज की है और उस टाइम पर अगर रिपेयर कराया तब हमारा मशीन अकाउंट में जाएगा। अदरवाइज अगर रेगुलर रिपेयर होता है जैसे ईयरली जो हम कराते हैं एवरी ईयर हमने, तो वो रिपेयर में जाता है। ओके मैम, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन भी ना अच्छा है थोड़ा, 31 का फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, सेकंड देखते हैं। लिखा हुआ है ए डेबिट बैलेंस ऑफ 550 इन पर्सनल अकाउंट ऑफ मिस्टर जॉन वाज अंडरकास्ट। देखो अंडरकास्ट ओवरकास्ट तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, इससे तो खुद ही बोल दिया डेबिट बैलेंस था 550 का मिस्टर जॉन में, ठीक है, मतलब मिस्टर जॉन को हमें डेबिट करना था कितने से, 550 से, वो मतलब जो भी था टोटल करके देखा होगा मिस्टर जॉन का, तो उसके अकाउंट में 550 रुपीज कम डेबिट हुए हैं, अंडरकास्ट रह गए ना, तो हम क्या करेंगे उसको और डेबिट कर देंगे, तो हम क्या करेंगे जॉन को डेबिट करेंगे टू सस्पेंस, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना, ये एक तरीके से शॉर्टकास्ट अंडरकास्ट ओवरकास्ट ये जितनी भी चीजें होती हैं ये सब मोस्टली टोटलिंग के एरर होते हैं, कि जब हमने चेक किया उसका टोटल करके देखा तो उसमें 550 रुपीज शॉर्ट निकले, उसने बोला डेबिट बैलेंस है तो इट मीन्स हमें उसको और डेबिट करना पड़ेगा, तो हम 550 से और डेबिट कर देंगे, ठीक है। yes. तो ये वाले एरर तो बहुत सिंपल होते हैं, बस ये सोचना होता है जिस अकाउंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो नाम था तो नाम में इन्होंने खुद ही बोल दिया था डेबिट बैलेंस, वरना कई बार सेल्स अकाउंट परचेज अकाउंट की बात करते हैं तो तुम्हें खुद ही सोचना होता है, सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है, परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होता है, तो अगर अंडरकास्ट है तो उसको और वही कर देंगे जो वो होता है, अदरवाइज उसका उल्टा कर देते हैं अगर ओवरकास्ट होता है, है ना, वहां पर थोड़ा सा ये सोचना पड़ता है, इसलिए ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाले एरर सबसे सिंपल है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम ब्राउन फॉर ₹3,000 पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स पेएबल अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू ब्राउन्स अकाउंट। क्या हुआ है कुछ समझ आया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर किया था, लिखा हुआ था बिल्स रिसीवेबल था फ्रॉम ब्राउन, अगर हमें ब्राउन ने कोई बिल्स रिसीवेबल दिया है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, जब हमारा डेटर हमें बिल्स रिसीवेबल दे देता है तो क्या एंट्री पास होती है, बोलो भाई, जब हमारे डेटर से हमें बिल्स रिसीवेबल मिल जाते हैं तो क्या एंट्री पास होती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट टू ब्राउन्स अकाउंट, ब्राउन को हम क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि अब वो yes. हमारा हमारे डेटर्स कहीं ना कहीं बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गए, है ना, yes, तो ये 3,000 की एंट्री थी। तो देखो हमसे गलती क्या हुई है, वॉज बिल्स पेएबल में लिखा हुआ है पोस्टेड, एक तो पोस्टिंग की मिस्टेक है ये बात समझिए, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स पेएबल अकाउंट, यानी कि हमने क्या कर दिया बिल्स पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जब हमने बिल्स पेएबल का लेजर बनाया बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट हो गया एंड क्रेडिटेड टू ब्राउन्स अकाउंट। देखो ये चीज, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, बहुत अच्छा पॉइंट है, उल्टा हो गया। हाँ देखो वैसे तो हुआ क्या, अगर हमसे गलती होती एंट्री करने में तब हम क्या करते, वहां पर ये प्रॉब्लम होती कि एक बिल्स रिसीवेबल की एंट्री को हमने बिल्स पेएबल की एंट्री बना दिया, अगर ये एंट्री होती एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, बट यहाँ पर रिकॉर्डिंग की मिस्टेक नहीं है, हुआ क्या है एंट्री तो ठीक पास हुई है लेकिन जब पोस्टिंग कर रहे थे तो उन्होंने क्या करा उसको बिल्स पेएबल अकाउंट में डाल दिया, यानी कि यहाँ पर लिख दिया बाय ब्राउन और 3,000 एंड और क्या किया है, और ब्राउन के अकाउंट को तो क्रेडिट करना ही था, ब्राउन के अकाउंट को उन्होंने क्रेडिट ही किया है। देखो ध्यान से देखो एरर क्या हुआ है, यानी कि बिल्स पेएबल अकाउंट तो बिना मतलब क्रेडिट हो गया
और बोला है कि ब्राउन के अकाउंट को भी क्रेडिट किया है, यानी कि यहाँ पर हमने लिखा है बाय बीआर एंट्री के हिसाब से देखो तो ब्राउन का अकाउंट क्रेडिट ही तो होना था, तो वो तो क्रेडिट किया ही है। एक गलती क्या हो गई, बिल्स पेबल अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर गलती ये हुई है कि ये जो बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना, ये बिना मतलब ही क्रेडिट हो गया। समझ में आया? मतलब क्रेडिट होना था सिर्फ ब्राउन का अकाउंट, जब उन्होंने पोस्टिंग की तो बिल्स पेबल को भी क्रेडिट कर दिया और ब्राउन को भी क्रेडिट कर दिया। ब्राउन को क्रेडिट किया वो तो अच्छी बात है, बट बिल्स पेबल तो बिना मतलब क्रेडिट हुआ है। तो बिल्स पेबल को अब हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब क्योंकि ये पोस्टिंग के टाइम की मिस्टेक है तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे तो बी आर अकाउंट में तो पोस्ट सही किया होगा। समझ रहे हो? तो बीपी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, यानी कि ब्राउन के अकाउंट को हमें टच करने की जरूरत ही नहीं है, ब्राउन तो क्रेडिट होना ही था। अगर यहाँ पर ब्राउन क्रेडिट नहीं होता, ब्राउन की जगह बीपी अकाउंट क्रेडिट हो जाता, तब हम एंट्री पास करते बीपी अकाउंट डेबिट टू ब्राउन अकाउंट, फिर तो ब्राउन को क्रेडिट करके दिखाना पड़ता ना। बट यहाँ पर ब्राउन के अकाउंट में सही पोस्टिंग हुई है, बीपी बिना मतलब की क्रेडिट हो गया, तो उसको सही कर देंगे बस। ठीक है? यस मैम। तो ये इसमें अच्छा पॉइंट है काफी। नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स रिटर्न्ड बाय मृदुल 225 हैव बीन एंटर्ड इन रिटर्न्स आउटवर्ड बुक, यानी कि मृदुल ने गुड्स वापस किए थे, यानी कि सेल्स रिटर्न की एंट्री थी, रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं जिसको, यानी कि एक सेल्स रिटर्न की एंट्री को उन्होंने रिटर्न आउटवर्ड बुक में कर दिया, मतलब परचेज रिटर्न बना दिया। ठीक है, तो हो जाएगी एंट्री। तो रिकॉर्डिंग के टाइम का एरर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी कि मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ ये हमारा था करेक्ट एंट्री में सेल्स रिटर्न था, मुझे वर्ड्स यूज करने हैं रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड, तो हम एंट्री पास करते हैं रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू मृदुल। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, मृदुल डेबिट, क्योंकि हमने परचेज रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट में कर दिया, मृदुल को डेबिट कर दिया टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। तो ऐसे एरर तो इजीली सही हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री को कंपेयर करो और रेक्टिफाई कर दो। रिटर्न जो को डेबिट कर देंगे, हाँ, एंड रिटर्न इनवर्ड को भी डेबिट कर देंगे, रिटर्न इनवर्ड भी डेबिट हो जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड भी डेबिट हो जाएगा, एंड मैम मृदुल के अकाउंट को दो बार करेंगे ना। हाँ, और मृदुल को दो बार क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सही एंट्री में मृदुल को क्रेडिट करना था, हमने उसको डेबिट कर दिया होगा। यस मैम। ठीक है, तो ये क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम की एरर है तो पूरी पूरी जर्नल एंट्री पास करके देख लो कि बुक्स ना बनाकर अगर हम जर्नल एंट्री पास करते तब क्या होता, क्योंकि बुक्स को इमेजिन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो जर्नल एंट्री पास करके करोगे वो चीजें तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना अच्छा था, वैसे पॉइंट्स इसमें थोड़े अच्छे हैं। 225 225 and 225 plus 225, हाँ, अमाउंट जो भी होगा लिख देती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे पार्ट पर मुझे लगता है कि क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि मेरे पास ना 37 पेज नंबर तक ये, मेरे ख्याल से 37 पेज क्वेश्चन ना हो सकता है पूरा हो, क्योंकि इसमें फर्स्ट पॉइंट ही है हमारे पास। आगे शायद नेक्स्ट पेज पर हो सकते हैं। सानवी एक बार चेक करके बताओ 37 के आगे भी कोई क्वेश्चन है क्या? मेरे पास 37 तक है, उसका फर्स्ट मतलब बस यही वाले पेज तक है मेरे पास। हम पुरानी बुक में तो काफी क्वेश्चन है, 48 तक है। अच्छा सानवी, तुम चेक करो तुम्हारे पास न्यू एडिशन है, क्योंकि सानवी हेलो सानवी पता नहीं कहाँ है, क्योंकि हो सकता है मेरे पास ही पूरे पेजेस ना हो, मेरे पास यहीं तक है क्योंकि, या फिर मेरे पास। सानवी एम आई ऑडिबल? सानवी कहाँ चले गई, कहीं चली तो नहीं गई, ऐसे ही लग रहा है।
यही तो ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस के डिसएडवांटेजेस हैं. कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस ये हैं कि रिकॉर्डिंग हो जाती है तो बाद में तुम देख सकते हो. मैं ना तुम्हें संस्कृति अभी आज ही मैं तुम्हें मैं क्लास का लिंक भी शेयर नहीं कर पाई, मेरे बाद में दिमाग से निकल जाता है. मैं आज अभी करती हूँ एक बार जहाँ पर मेरी वीडियोस अपलोड हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट में नेक्स्ट वीक अगर टेस्ट लेते हैं तो वहां पर मेरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की भी वीडियोस हैं. ओके मैम, तो तुम चाहो तो उनको देख सकती हो अगर तुम्हें कहीं प्रॉब्लम है. तुम्हें आता है तो तुम भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टेस्ट तुम्हारा भी एग्जाम में आ रहा होगा, दे दोगी तो अच्छी बात है. मैम मेरा तो आ चुका है ना. अच्छा आ चुका, तो फाइनल एग्जाम्स में नहीं आएगा उसमें. हाँ आएगा तो. हाँ उसमें आएगा नहीं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुम्हारा टर्म वन में ही आ गया था. नो नो मैम, टर्म वन में नहीं आया अभी, पीटी थ्री टेस्ट हो चुके हैं. अच्छा चलो कोई नहीं, अगर एग्जाम में मतलब तुम देख लेना, तुम्हारी चॉइस है, दे दोगी तो अच्छी बात है. क्वेश्चन पेपर ले लूंगी मैं कि अपने से खुद से सॉल्व कर लूंगी. ठीक है. यस मैम. चलो फिर अभी सानवी, पता नहीं चली गई सानवी, सो तो नहीं गई. नहीं मैम मैं यहीं पे हूँ. हाँ तो मैं पूछ रही थी कि एक बार यहाँ पे अपनी बुक में चेक करके बताओ 37 के बाद क्वेश्चंस और भी हैं क्या मेरे पास. जो 37 के बाद नहीं है मेरी बुक में क्वेश्चंस. हाँ तो बस इतने ही होंगे. ठीक है, तो इसमें ना 37 ही है. देखो जितने क्वेश्चंस मुझे लग रहा था कराने लायक है मैंने करा दिए हैं, बाकी मैं इसका सॉल्यूशन आज पक्का शेयर कर दूंगी. ठीक है, और वहां से अपने मैच कर लेना. उसके उसमें भी कोई डाउट्स आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा स्टार्ट हो जाएगा. इसके दो चैप्टर हैं, एक विदाउट एडजस्टमेंट है और एक विद एडजस्टमेंट है. तो पहला चैप्टर हमारा विदाउट एडजस्टमेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं, उसमें हमें ये सीखना होता है. फिर उसमें एडजस्टमेंट कैसे करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में ये सिखाया गया है. ठीक है, और ये बड़ा चैप्टर है, 8 मार्क्स का चैप्टर आता है, तो इसलिए थोड़ा और अच्छे से करना है. चलो अभी मैं फिर एंड कर देती हूँ, क्या करूँ. वैसे तो आज मेरी क्लास लेट ही स्टार्ट हुई थी, बट कुछ कराने के लिए मुझे लग नहीं रहा. आप सॉल्यूशंस भी भेज दीजिएगा. हाँ ठीक है. यस मैम. ठीक है चलो अभी एंड करते हैं. बाय बाय.